नमस्कार, मैं जयप्रकाश पत्रिका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से। मौसम वैज्ञानिकों ने सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लेकर एडवाइजरी जारी की थी कि इस दिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाओं के साथ काफ़ी बारिश होगी, ओले भी गिरेंगे। उसका असर आज दोपहर बाद मुरादाबाद में भी देखने को मिला, जिसके चलते करीब दोपहर 2 बजे से ही दिन में अंधेरा सा छा गया था, तेज हवाएं चलने लगी थी और अचानक ही बारिश होने लगी। फिलहाल इस समय भी बारिश जारी है। इस कारण जो पिछले एक हफ्ते से लगातार मौसम में दिन में गर्मी थी, उसमें अचानक ही तापमान में गिरावट के चलते ठंडक बढ़ गई है और अचानक यानी सप्ताह के पहले वर्किंग डे पर इस तरीके की मौसम के बदलाव से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ठंड और बारिश से बचाव को लेकर कोई संसाधन साथ लेकर नहीं निकले थे, उनके सामने काफ़ी मुश्किलें पैदा हुई। खासकर जो कामकाजी लोग हैं अपने दफ्तरों में गए थे, लेकिन दोपहर बाद जो जिस तरीके से बारिश शुरू हुई उसने उन लोगों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। वहीं अभी जो मौसम वैज्ञानिकों का जो सूचना जारी की गई उसके मुताबिक अगले 3 दिन ऐसे ही रहने के आसार हैं, जिस कारण जो तापमान बढ़ रहा था लगातार पिछले 2 से 3 दिनों लगातार 2-3 डिग्री बढ़ रहा था, उसमें अब गिरावट दर्ज की जाएगी, जिस कारण ठंड निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो जनवरी का आखिरी सप्ताह लोगों के लिए ठंड काफ़ी कष्टकारी होने वाली है। फिलहाल अगर बाहर निकल रहे हैं तो निश्चित रूप से ठंड के साथ साथ बारिश से बचाव के संसाधन भी लेकर साथ रहिए। मौसम व उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पत्रिका उत्तर प्रदेश के साथ। जयप्रकाश, पत्रिका टीवी, मुरादाबाद।